अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी तूने धोखा दिया, वो भी सारे इतर वालों को। धंधा करना तुझे नहीं आता, मैं सारे व्यापारियों के फायदे की बात कर रहा हूँ। उसे धोखे का नाम मत दे, चला गया से। ए रहमान, अरे अबू धोखा तो इन लोग के खून में है। बाप दादो के टाइम से यही सब करते आ रहे हो आप लोग। बेनवास, अपनी हाथ में रहा वरना अच्छा नहीं होगा। तो क्या करेगा तुम है? तेरे को बता दूंगा भी हाथ में कैसे रहते हैं। तो मुझे सिखाएगा? हाँ मुझे सिखाएगा तू? अब तेरे अम्मी अबू ने तेरे को कुछ सिखाया नहीं, मैं ही सिखा देता हूँ। ये सारा जहर तेरा फैलाया हुआ है, समझा? तेरे कारण ये सब हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब आपकी करतूतों का फैला हुआ जहर है, समझे ना? मेरा पूछो ढंग से बात कर। कहां से मारूंगा तुझे? बीच झगड़े रंजिशें ये तो आम बात है, लेकिन कभी कभी यही झगड़े दुश्मनी का कारण भी बन जाते हैं। जैसे प्यार हद पार कर जाता है, वैसे दुश्मनी भी हद पार कर जाती है। लेकिन क्या ऐसी दुश्मनी खत्म नहीं होनी चाहिए? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाना जरूरी है? आज के इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी हम देखने जा रहे हैं। ऐसी दुश्मनी थी इन दो परिवारों के बीच, राबिया के पिता रहमान और नवाज के पिता असलम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर एक दुकान भी खोली थी, लेकिन बढ़ते बिजनेस के साथ साथ इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही थी। दो दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मनी भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। कहते हैं ना, अगर प्यार से सींचो तो रेगिस्तान में भी फूल खिलता है, और अगर नीयत ही बुरी हो तो उपजाऊ जमीन भी बंजर बन जाती है। और ऐसी दुश्मनी में पनप रहा था राबिया और नवाज का प्यार, और इस बात से दोनों परिवार वाले अनजान थे। Thank you.
मैं निकल रही हूँ, ये खा के जा। आंटी बेटा संभाल के जाना, और ये ले तेरे पैसे। अब्बू रिक्शा से जाने से अच्छा है कि सलीम भाई मुझे कॉलेज छोड़ दे। पर नहीं, ये तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, हर जगह अपनी बाइक उड़ाएगा, पर अपनी बहन को कॉलेज नहीं छोड़ेगा। तो तुझे कौन अपनी बाइक पे बिठाएगा? तुझे बिठाने से अच्छा मैं अपनी बाइक जला दूं। अम्मी देखो ना कैसी बात कर रहा है ये। अरे वो मजाक कर रहा है। सलीम बेटा जा जाकर इसको छोड़ दे। अरे अम्मी मुझे और भी कोई काम है, ये रिक्शा से चली जाएगी। मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सलाम 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 सलाम। सलीम मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। राबिया बुरखा जी, कुछ भी हो जाए इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। जी अब्बू। जाओ। चले रफीक, चल भलाई का जमाना ही नहीं। चल ना नूरा बाजार चलते हैं। सलीम अभी नहीं यार, वो क्या है ना दुकान के लिए कुछ सामान लाना है, अली रोड जाना है होलसेलर के पास। तू चल ना, मैं आकर मिलता हूँ देखो शाम को। चल ठीक है। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। पीछे सुनिए, आपका रफीक के बारे में क्या ख्याल है? रफीक तुम यहाँ? तुम हमारा पीछा कर रहे थे क्या? हाँ, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ। राबिया एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अच्छा लड़का है, खुद की दुकान ले ली और धंधा भी अच्छा ही कर रहा है। अब अपनी राबिया भी बड़ी हो गई है, क्यों ना रफी के घर वालों से बात करके दोनों का निकाह करा दे। सोच तो हम भी यही रहे थे। रफीक भी राबिया को पसंद करता है। पर मैं तुम्हें नहीं चाहती रफीक, तुम समझो इस बात को। तुम जितनी बार मुझसे पूछोगे मैं उतनी बार वही जवाब दूंगी। अब
हमारे कहने का मतलब ये है कि वो राबिया को खुश रखेगा। सुनिए, आज दिन भर शांत रहिएगा, कोई झगड़ा मत कीजिएगा। ठीक है। या खुदा, कोई एक दिन तो ऐसा गुजरे कि उन कमबख्तों से झगड़ा ना हो। ऐसी क्या कमी है मुझमें? अच्छा भला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और अब तो अपना बिजनेस भी है। मैं जानती हूँ सर कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, क्या इतना रीजन काफी नहीं है? राबिया, राबिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तू सिखाएगा मुझे? कल का छोकरा सिखाएगा मुझे? ये समझने समझाने की उम्र गई हा? और अगर जिंदगी में चार नई चीजें सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। इधर का भाव गिरा के रख दिया है तुम दोनों बाप बेटों ने, पूरा मार्केट खत्म करके रख दिया है। अरे कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन तेरे बाप को इस धंधे में लेकर के आया था। अरे कोसेगा ही, इस धंधे में तेरा बाप बनकर जो बैठा हो ना। बाप नहीं, कसाई। पूरा मार्केट खत्म करके रख दिया तुमने। अपना धंधा तो संभाल नहीं रहा और मुझे कोस रहा है। चल जा अपनी दुकान संभाल। ए रहमान, अपना धंधा तो मैं संभाल लूंगा लेकिन अगर ऐसे चलता रहा ना खुद को नहीं संभाल पाऊंगा मैं। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बता, क्या कर लेगा? वो कर दूंगा जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अरे तो कभी क्यों, अभी करके दिखाओ ना। अभी करो ना। अपने हद में रह, मेरे बेटे की उम्र का है तो। बेटा नहीं हूं ना, तो जाओ अपनी दुकान पे जाओ और दुकान संभालो। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी सीखेगा ना? बदतमीज बात से और क्या सीखेगा तू? बदतमीजी है, बदतमीजी है। बदतमीजी बताया आपको? बदतमीजी बताया का लिहाज नहीं। ये दुश्मनी हमें खत्म करनी होगी नवाज, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ राबिया, तो तुम्हारे अब्बू और मेरे अब्बू को, उनको कोई समझाए भी तो कैसे समझाए। ये ऐसे छुप छुप के मिलना मुझे पसंद नहीं है नवाज, कुछ करो। और तुम भी तो उस दिन झगड़े में शामिल हो गए थे। अब और मैं क्या करूँ यार, मैं ट्राई कर तो रहा हूँ। बस यही बोलते रहो, वो रफी हर रोज मेरे घर आता है, हम अबू भी उसे पसंद करते, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा निकाह उसे करवा दे। अबू, इसका कुछ करना होगा वरना ऐसे ही सबको हमारे खिलाफ भड़काता रहेगा। वो वक्त आने दे, इसको भी सबक सिखाऊंगा मैं। उस बच्चे की हिम्मत तो देखो, मुझ पे हाथ उठाना चाहते हैं वो। अरे चचा, ये तो आपका रोचा काम है। वो कहते हैं ना कि जितनी जिगरी दोस्ती उतनी जिगरी उन दोनों में दुश्मनी। ए, धंधे पे ध्यान दे, चल निकल। ऐसा मत बोलो यार, मैं हूं ना, मैं कुछ। हेलो, क्या रुक, मैं आता हूं भी। क्या हुआ, वापस झगड़ा हुआ? इस बार सलीम ने मेरा अबू पे हाथ उठाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो गुस्से में ही बात और आगे बढ़ेगी, प्लीज शांत हो जा और ठंडे दिमाग से ये सोचो कि कैसे इसका सलूशन निकाले। बड़े बुजुर्ग के हाथ उठाते हैं, शर्म नहीं है तुझे? हट, चले उसपे भी हाथ उठाया, बोल।
अब ठीक तो अब। अरे जरूर राबिया और नवाज के बीच कुछ चल रहा है। राबिया के पिता को धक्का लगा था, लेकिन यह धक्का गलती से लगा था और इस झगड़े में जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन इस वजह से नवाज और राबिया के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राबिया को यही लगा कि उसके पिता पर नवाज को हाथ नहीं उठाना चाहिए था और इस वजह से इन दोनों के बीच दूरियां आ गई। ना ही राबिया उसे मिलने की कोशिश कर रही थी और ना ही नवाज पहल कर रहा था। इन दोनों के बीच की ये दूरियां नवाज की भाभी को समझ में आई और उसने नवाज को समझाया। पता नहीं भाभी क्या हो गया उसे, वो बात ही नहीं कर रही है मुझसे। माफी मांग लो नवाज। भाभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, गलत फहमी हुई है उसे। मुझे पता है नवाज, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर माफी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे ना। तुम्हारी वजह से अब्बू गिर गए उसके, इस बात की तो माफी मांग सकते हो ना। प्यार करते हो ना नवाज उससे? बहुत ज्यादा भाभी। तो ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, माफी मांग लो। राबिया, 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 I'm sorry यार, I'm sorry, please यार, मान जा। हट जाओ नवाज। राबिया तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हारे अब्बू पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन मैंने जो देखा वो गलत कैसे हो सकता है? तुमने गलत नहीं देखा, तुमने सही देखा, लेकिन तुम्हारे अब्बू को धक्का मुझसे गलती से लगा था, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ यार। I'm sorry, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज यार मान जाओ। देखो अगर ऐसे उठक बैठक कराओगी तो ना मैं घर जा पाऊंगा और ना तुम्हारे तुम्हारे पीछे आ पाऊंगा, प्लीज यार मान जाओ। तेरा मिलना ही सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। जीने के लिए तू काफी।
इनकी कहानी खत्म नहीं होगी ना, मेरी कहानी शुरू नहीं होगी। राबिया, बस कुछ और दिन, इस कहानी को तो मैं ही अंजाम दूंगा। क्या बात है अब्बू, आपने अचानक बुलाया? बेटा, हम चाहते हैं कि तुम राबिया से निकाह कर लो। उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम उठा लो बेटा। अब्बू, मुझे मंजूर है, पर एक बार। मुझे मंजूर नहीं। राबिया, राबिया, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? होश में हूँ इसलिए कह रही हूँ, मुझे ये निकाह मंजूर नहीं। राबिया, अब्बू, भले ही रफीक हमें पसंद करता हो, पर मुझे वो पसंद नहीं है। अरे पर रफीक में कमी क्या है? मुझे पसंद नहीं है, ये कमी नहीं तो और क्या है? राबिया, आज हम 2022 में जी रहे हैं, ताकि पुराने जमाने में जहां अपने बेटे को किसी के गले बांध दिया और छुटकारा पा लिया। ना पे दूध पीती बच्ची हूं और ना ही मजबूर कि जिसके हाथों बांध दिया उसके साथ अपनी मर्जी के खिलाफ निकाह कर लूं। मेरा और रफीक का निकाह कभी नहीं होगा। पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं कि तुम ज्ञान बांटती फिरो, जितना कहा जाए उतना करो। मेरे मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब्बू, इसकी जुबान तो छुरी की तरह चल रही है। रफीक, मैं माफी चाहता हूं कि तुम्हारी ऐसी बेइज्जती हुई। हम कुछ दिनों में मिलते हैं तुमसे। सलाम। अबू, जरा पूछिए इससे, ये कहाँ मुंह काला करा कर आई है? कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे दामन में ऐसा दाग लगा दे जो हम जिंदगी भर ना मिटा पाए। आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, ना ही कभी कुछ कहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस घर से तुम बाहर नहीं निकलोगी, और निकलोगी तो रफीक से निकाह करने के बाद। आज के बाद ये लड़की इस घर की दहलीज पार नहीं कर पाए। अब्बू, किसी के दिल के खिलाफ उसका निकाह करवाना हराम है। और मेरे दामन पे दाग लगाना उससे भी बड़ा हराम है। लेके जाओ इसे कमरे में।
अरे सुनो जी आई। नवाज, मेरे अब्बू मुझे घर से निकलने से मना किया। मेरा निकाह रफीक के साथ करना चाहते हैं। हमें कुछ करना होगा। करना तुम्हें नहीं, मुझे होगा। सलीम मेरी बात सुन ध्यान से यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ रामिया से, प्लीज प्लीज मान जाए यार, प्लीज सलीम मेरी बात सुन। रफीक तू जैसे को संभाल, मेरी बात ले। बेटा आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई। मैं चाहता हूं कि यह निकाह जल्द से जल्द हो। मेरी काजी साहब से बात हो गई है, उन्होंने आने वाले जुम्मे में निकाह करने की सलाह दी है। बेटा रफीक तुम्हें मंजूर है ना? सलीम जरा जाकर राबिया को एक बार देख करो। इस झूठे को मेरा निकाह करने वाले पता चला मुझे। मैं बस तुम्हें
तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ माफिया, तुमसे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। देखो राबिया, हमारे अब्बू इस निकाह को लेकर नहीं मानेंगे, हमें यहां से भागना पड़ेगा। तुम चलोगे मेरे साथ? कल रात को मैं तुम्हें नुक्कड़ के पास मिलूंगा, तुम आ जाना। ठीक है, 12 बजे तक सब सो जाते हैं, उसके बाद आ जाऊंगी। देखा तो नहीं तुमने? आओ जल्दी बैठो, जल्दी राबिया, राबिया दरवाजा खोलो। क्या हुआ? ये राबिया दरवाजा नहीं खोल रही, ये इसने कुछ कर तो नहीं लिया? कुछ नहीं हुआ राबिया को। राबिया दरवाजा खोलो, राबिया दरवाजा खोलो। सलीम दरवाजा तोड़। राबिया ये राबिया और नवाज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार बस मेरे हाथ लग जाए। क्या मिर्ची मोहल्ला में छुपे हुए दोनों? चल रफीक। हेलो मौलवी साहब जी, निकाह की तैयारी हो गई है पूरी जी, हम बस निकल ही रहे हैं जी। खुदा हाफिज राबिया, चलो जल्दी।
आज तो राबिया का फैसला होके रहेगा। उसने मेरे दामन पे दाग लगाया, मैं सजा दूंगा राबिया को। आप शांत हो जाइए, सलीम गया है ना, वो जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। शांत तो मैं तब होऊंगा जब राबिया यहाँ पे होगी और मैं उसे सजा दूंगा। ये रही राबिया। ले लीजिए अबू, आपकी गुनहगार आपके सामने है। मर गया तेरा अबू। जो दाग तूने हमारे दामन पे लगाया है ना, उसके बाद दोजख में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अब नवाज कायम हो, नवाज उसके तो खून से मेरा जहन शांत होगा। अब वो नवाज के ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज करवा दिए, वो कुछ दिन के लिए अंदर ही रहेगा। बाहर निकलने दो, उससे और उसके बाप से एक साथ निपटूंगा मैं। उनका हिसाब बाद में कीजिए, पहले काजी साहब को बुलवाइए और रफीक और इसका निकाह करवाइए। मुझे निकाह मंजूर नहीं। क्या रफीक, ये क्या बोल रहे हैं यार? सही तो बोल रहा हूँ, 3 दिनों तक ये नवाज के साथ थी, किसी का जूटन मैं खाऊंगा नहीं और मुझे ये निकाह मंजूर नहीं। ऐसा मत करो बेटा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, एक बार और सोच लो। मुंह दिखाने लायक तो आप बचे भी नहीं। सलाम। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं और नवाज एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बस बस हमारा निकाह करवा दो। ये तू नहीं, तेरा जुनून बोल रहा है। गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी थी जो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, स्कूल कॉलेज भेजा। उस पढ़ाई की वजह से तेरे पर निकल आए हैं। मैं गलत था, सही तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को घर में बंद करके रखते हैं, अनपढ़ रखते हैं। नहीं अबू, आप सही हो, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी सोच बनाने लायक बनाया, पर एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, मैं और नवाज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस हमारा निकाह करवा दो, हम सब बहुत खुश रहेंगे। जुबान चलाती है, मेरे दामन पे दाग लगा के खुश रहेगी तू, दुनिया में मेरी इज्जत उछाल के खुश रहेगी तू। इसने हमें और बेइज्जत किया। तुझे हमें कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। बहुत कुर निकल आए हैं तुझे, उन्हें काटने का वक्त आ गया है, तुझे सजा मिलेगी। आप भी सही नहीं कर रहे हो। अब तू बताएगी क्या सही क्या गलत। अपना मुंह काला करके आई है उस नमाज के साथ और अब्बू को सिखाएगी क्या सही क्या गलत। ये ऐसे नहीं मानेगी अब्बू, इस राबिया को हमें मिसाल बनाना पड़ेगा समाज के लिए, ताकि सबको पता चले कि जो घर वालों के अपने खिलाफ जाते हैं उनका क्या आश्चर्य होता है। सही कहा सलीम, राबिया की तो मैं ऐसी मिसाल बनाऊंगा कि आइंदा से कोई भी बच्ची अपने घर वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ा सके। नहीं, 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 नहीं।
मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी है तूने। अब तेरी जुबान नहीं, तेरा गला काटूंगा। अगर घर की इज्जत होती है तो क्या उनकी इच्छाओं की इज्जत करना हमारा फर्ज नहीं बनता? अगर राबिया के घर वाले थोड़ा अपना दिल बड़ा करते, अपनी आपसी रंजिशें मिटा देते तो क्या होता? अगर नवाज के साथ उसकी शादी हो जाती, आज वो जिंदा होती, आज वो खुश होती। बेटी पढ़ाओ तो बेटियों को बचाओ भी, क्योंकि बेटी जैसा सुख कोई नहीं देती। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।